देखिब नुआ मुख्यमंत्री। निर्वाचन पूर्वरु केजरीवाल को बड़ घोषणा, प्राय 6 मास परे जेल रु बाहरी बड़ घोषणा करिछंती अरविंद केजरीवाल। 48 घंटा मध्य मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देबे, दलीय नेता और कर्मी को संबोधन करी घोषणा करिछंती आम आदमी पार्टी सुप्रीमो। अदालत रु न्याय मिल सारी, एवं लोकों कोर्ट रु न्याय लोड़े अरविंद केजरीवाल। लोकों निर्देश मिलने मुख्यमंत्री आसन में बस तेरे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन को आगुआ महाराष्ट्र सह नवंबर रे कराइबा को से दावी करिछंती। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अबकारी दुर्नीति मामलें प्रथमे ईडी और परे सीबीआई दिल्ली मुख्यमंत्री को गिरफ्त करिथिला। पूर्वरु ईडी मामलें जमीन मिलिथिला, 2 दिन तले सीबीआई मामलें जमीन पाई तिहार जेल रु मुकुलिछंती। एबे मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा नहीं घोषणा करिबा परे समालोचना करिछंती विरोधी। बीजेपी कहिछि एहा केजरीवाल को पीआर स्टंट, 2 दिन परे काहेकि आज काहेकि नुहे बोली प्रश्न करिछंती बीजेपी नेता। सुप्रीम कोर्ट भयरे और लोकों समबेदना साउंटिबा को केजरीवाल नुआ चाल खेलुछंती बोली दल कहिछि। कांग्रेस किंतु मापी चुपी प्रतिक्रिया रखिछि। जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 48 घंटे के बाद जनता से पूछ के करूंगा, आप अगर सीरियस थे, आप दिल्ली की जनता की आवाज सुन रहे थे तो दिल्ली की जनता साफ कह रही है कि आप को रिजाइन करना चाहिए था बहुत पहले, आज रिजाइन क्यों नहीं करा है, सवाल ये है। जो भी होगा दिल्ली देश के सामने हमारे आपके सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रही हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी थी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, अभी जो चीजें हमारे सामने हैं हम सिर्फ उसे देख रहे हैं। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामलें सुप्रीम कोर्ट को कड़ा शर्त रही, केजरीवाल को सचिवालय गस्त और सरकारी फाइल रे दस्तखत उपरे कटकणा लागिछि। तेणु मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा दे केजरीवाल जड़े अनुगत को बसाई पारंती बोली चर्चा होउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।